आज मैं अपने मीडिया के मित्रों से जरूर ये कहना चाहती हूँ कि कब तक चरण चुंबक बने रहिएगा। और ऐसे ही थोड़ी आपको चरण चुंबक बुलाया जाता है या गोदी मीडिया बुलाया जाता है, आप लोग जरूर नाराज हो जाते होंगे। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, 22 दिन के अंदर कर्नाटक में वोट पड़ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हाल है कर्नाटक में, बिल्कुल आईसीयू में है, जैसे दम तोड़ देगी। भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। बड़े बड़े नेता पलायन कर रहे हैं, उससे बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और उनसे भी बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कुछ भी बताने से पहले कुछ आंकड़े बता देती हूं। 5 विधायक, 2 एमएलसी, 11 पूर्व विधायक, 4 पूर्व एमएलसी ने तो कांग्रेस का दामन थामा ही है, सब इस डूबते जहाज को छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शेट्टार जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सावड़ी जी ने ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ईश्वरप्पा जी को तो भाजपा ने घर ही बिठा लिया, और इनके जो एमपी हैं सिटिंग एमपी सागरना जी, उनका खूब जबरदस्त मनमुटाव चल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही देंगे। तो जब भाजपा के खेमे में इतनी भगदड़ मची है, जब भाजपा की जो सरकार 40% कमीशन खोरी की सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कर्नाटक में, सारे लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं, और कर्नाटक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस का शासन उनको चाहिए। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या आपको कहीं पर भी, चाहे वो गोदी मीडिया का टीवी हो, चाहे वो गोदी मीडिया के अखबार हो, क्या आपको सुर्खियां दिख रही हैं? भाजपा की हालत और बिगड़ी, भाजपा खस्ता हाल, भाजपा की इस हार का जिम्मेदार कौन होगा, ऐसी जो सुर्खियां वो लगाते हैं, भ्रष्टाचार से हार, भाजपा पर प्रहार, कर्नाटक में हुई खस्ता हाल भाजपा, डूबता जहाज भाजपा का, ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाते हैं ये लोग। आज मोदी जी की और नड्डा जी की और अमित शाह जी की तस्वीरों के साथ मुंबई जी की तस्वीर कहीं ये चमकती कहती दिख रही है आपको? ये नहीं दिखेगी, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। भगदड़ मची रहे, लोग छोड़ते रहे भाजपा को, जहाज डूबता रहे, बेचारे कवर फायरिंग देते रहेंगे, क्योंकि असलियत तो यह है कि अगर दम होता तो सच दिखाते कि कर्नाटक में कितना बड़ा खेल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप नहीं दिखाइएगा तो उससे क्या लगता है आपको, परिवर्तन नहीं होगा? आप नहीं दिखाइएगा तो सच छुप जाएगा? आप नहीं दिखाइएगा तो क्या वो डूबता हुआ जहाज को आप थाम लीजिएगा? आप ये नहीं करिएगा ना, आप भाजपा को बचा सकते हैं, ना उस डूबते जहाज को रोक सकते हैं, ना आईसीयू में दम तोड़ती हुई भाजपा के आप तारणहार बन सकते हैं। आप बार बार ये जरूर प्रूफ कर सकते हैं कि भाजपा के सामने गोदी मीडिया चरण चुंबक कितने नतमस्तक हैं। अगर एक भी ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस कहीं त्याग दी होती किसी राज्य में, तो अभी तक हड़कंप मच गया होता, तमामों टीवी शोज, तमामों विशेषज्ञ, तमामों बेचारे चरण चुंबक एंकर लगे रहते प्रूफ करने में कि कितना बड़ा कांड हो रहा है।